नमस्कार, हमारी खास पेशकश विराट दुल्हनिया ले जाएंगे में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत कौर। बैंड बाजा बारात, मंडप, शादी और शहनाई, ये सारे शब्द याद आ रहे हैं और साथ ही कानों में सुनाई पड़ रही है मैरिज बैंड की थिरकाने वाली धुन। क्योंकि खबर जो इतनी खास है हमारे लिए अहम ये है कि IBC 24 ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया को इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग दी है। जी हाँ, हमारे चैनल ने ही सबसे पहले अनुष्का और विराट की शादी की जानकारी सबको दी है। पर देखते ही देखते ये खबर टॉप में ट्रेंड करने लगी। टीम इंडिया ने इधर लगातार 9 टेस्ट जीतने का कारनामा किया और उधर कप्तान विराट कोहली की शहनाई बजने की खबर आई। आईबीसी 24 ने सबसे पहले दुनिया को खबर दी है कि विराट और अनुष्का फाइनली 2-1 होने जा रहे हैं। हालांकि अब तक विराट और अनुष्का दोनों ने शादी फिक्स होने की बात को स्वीकारा नहीं है, पर विश्वसनीय स्रोत ने आईबीसी 24 को इस बात की पुष्टि की है कि दोनों की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं और दोनों 9 से 11 दिसंबर के बीच इटली में शादी करने जा रहे हैं। खबर यह है कि इस शादी में दोनों तरफ से चुनिंदा मेहमान होंगे। विराट ने पहले ही क्रिकेट से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है। वहीं अनुष्का के बारे में भी यही खबर है कि उन्होंने अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म से कुछ दिनों के लिए लीव ले लिया है। जाहिर है वो अपने जीवन के सबसे बड़े इवेंट के लिए ये वक्त डेडिकेट करने जा रहे हैं। एक अहम खबर ये भी है कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेटिंग दौरे पर विराट के साथ अनुष्का भी जाने वाली हैं। खास बात यह है कि विराट ने अनुष्का के लिए जो वीजा अप्लाई किया है वो वाइफ कैटेगरी में किया है। आईबीसी 24 ने एक बार फिर देश और दुनिया को एक ऐसी खबर दी है जिसका सभी को इंतजार था। उम्मीद करें कि अब विराट और अनुष्का का प्यार एक नई मंजिल की तरफ बढ़ेगा और जब नए साल का स्वागत दोनों एक शादीशुदा जोड़े के तौर पर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। तो जब से खबर आई है और ऐसे में फैंस में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है ये जानने के लिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे राकेश चतुर्वेदी, इंदौर से हमारे सहयोगी साक्षी शर्मा और साथ ही रायपुर से तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करना चाहूंगी, राकेश चतुर्वेदी है। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे आईबीसी 24 ने सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया को दी है कि विराट और अनुष्का शादी करने जा रहे हैं, वो भी अगले हफ्ते, इतनी जल्दी, कितना कैसा उत्साह देखा जा रहा है फैंस में? हाँ, देखिए मैं बताना चाहूंगा, भोपाल में और आईबीसी 24 जो न्यूज चैनल देखते हैं, दर्शक हैं, चाहे हम युवाओं की बात करें या तमाम लोगों की बात करें, उन्होंने सबसे पहले आईबीसी 24 न्यूज चैनल पर देखा है कि विराट और अनुष्का जो है बंधन में बंधने जा रहा है, विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। उसके बाद लगातार हमारे कार्यालय में हमको पर्सनल मोबाइल पर भी फोन करने के बाद ये फिर से तस्दीक की जा रही है क्या ये खबर सही है, और मेरे साथ वो तमाम जो फैंस मौजूद हैं, हम विराट के फैंस की बात करें, हम अनुष्का के फैंस की बात करें, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे हम उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि आज सबसे बड़ी खुशी है, आप क्या कहेंगे? वैसे तो विराट मतलब बंदे में दम है, मतलब हैंडसम वगैरह। विराट तो वैसे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड में, बॉलीवुड और क्रिकेटर का बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है, लेकिन कुछ लव स्टोरी कामयाब होती है, कुछ नहीं होती, जैसे किम और युवराज का, कमना और सौरभ गांगुली का, उसी तरह क्या बोलते विराट और अनुष्का का। लेकिन विराट और अनुष्का की जोड़ी मतलब मेरी नज़र में तो वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी है, क्योंकि आई एम द ग्रेट फैन ऑफ विराट एंड अनुष्का। एंड मतलब विराट की शादी मतलब कभी उसकी 2014 से उस पर नज़र है हम लोगों की, मतलब उसके कब अफेयर हो रहा है, कब क्या हो रहा है, तो 2014 में तब उसकी ब्रेकअप की खबर आती तो बड़ा दुख होता था, मतलब क्या हो रहा है यार, उसकी इतनी अच्छी जोड़ी है, ठीक है। लेकिन अब फाइनली बिल्कुल मतलब बहुत हैप्पी हूँ मैं कि विराट और अनुष्का की बहुत हैप्पी है। उम्र कम है लेकिन 2014 से आप नजर बनाए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? जी बहुत खुश है, विराट और अनुष्का दोनों बहुत फेमस जोड़ी है, जी राकेश बॉलीवुड की बहुत फेमस स्टार है, और विराट ने जैसे
जैसे क्रिकेट के में अपना सक्सेसफुल दिया है, वैसे ही वो अपनी लव लाइफ में भी सक्सेस बना रहे हैं। मैरिज बिल्कुल राकेश जी, यहाँ पर चीज देखी जा रही है कि जो उनके फैंस हैं वो उनके आगे शुभकामनाएं उन्हें दे रहे हैं। इस न्यूज को लेकर वो काफी ज्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं और यहाँ पर आगे बेस्ट विशेज यहाँ पर जो उनके फैंस हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे साथ दो सहयोगी और भी हमारे साथ बने हुए हैं। इंदौर का मैं रुख करना चाहूंगी, साक्षी हमारे साथ है। साक्षी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी भी क्या कई फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि विराट और अनुष्का शादी करने वाले हैं, वो भी इटली में जाके? जी सुप्रीत, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अभी कोई औपचारिक घोषणा विराट अनुष्का या उनके किसी करीबी की तरफ से नहीं हुई है, इसीलिए थोड़ा सा जो एक डाउट है जो कि विराट के फैंस हैं वो चाह रहे हैं कि या अनुष्का के फैंस हैं, तो एक 99.9% के बाद जो 0.1% का डाउट है वो कहीं ना कहीं में बना हुआ है। और सीधे मेरे साथ थोड़े अनुष्का के फैंस ज्यादा है, विराट की फैंस थोड़ी कम है, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या विचार है उनकी शादी को लेकर। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी की ब्रेक न्यूज इस वक्त आपने सुनी है, क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं आप इस शादी को? मैं यही कहना चाहूंगा कि अनुष्का की जो शादी है कहीं बाहर ना होने की वजह अगर इसी देश में अगर विराट के साथ हो तो मैं इस जोड़ी को बहुत ही सुंदर तरीके से देखना चाहूंगा। और ये अगर विराट के साथ अगर शादी होती है तो कहने में ये रहेगा कि घर की बेटी अगर घर में बहू बन के रहे तो ज्यादा अच्छा है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात की आपने। विराट अनुष्का, अनुष्का कैसी लगती है आपको? अनुष्का मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब उसकी शादी विराट के साथ हो रही है, पर अब क्या कर सकते, दिल टूट गया है तो क्या हुआ, घर के घर में ही हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत जल्दी एकदम ये डिसीजन हो गया, हालांकि विराट और अनुष्का हमेशा से कहते आए कि जब भी वो शादी करेंगे तो इसकी औपचारिक घोषणा खुद करेंगे, इसे बार बार हाइप क्रिएट करके ना बताया जाए, लेकिन अब बहुत करीबी सूत्रों ने बताया है कि उनकी शादी हो रही है, तो बहुत जल्दी हो रहा है ये सब, कैसे देख रहे हैं आप इसको? एक्चुअली ये चीज सस्पेंस में थी कि इनकी शादी कब होगी, लेकिन विराट कोहली ने जिसे ही मतलब रेस्ट का कहा था कि T20 और ODI सीरीज में वो रेस्ट लेंगे, वो सिर्फ यही दर्शा रहा था कि इनकी या तो शादी होगी या फिर किसी कुछ कारणवश से ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इनकी शादी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बाहर जाकर, देश से बाहर जाकर इटली में उनकी शादी होने वाली है, वहां के लिए दोनों ने अभी हाल ही में वीजा अप्लाई किया है, तो कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है कि क्या कुछ खास होने वाला है, किस तरह उनकी पल पल की अपडेट जो है आपको शादी की चाहिए? बिल्कुल, सारी अपडेट हमें तो चाहिए, पर ज्यादा अच्छा होता अगर इंडिया में होती, क्योंकि दोनों लोग इंडिया के हैं और इंडिया बेहतर होगा इंडिया में हो, अभी भी कुछ चांसेस है अगर इंडिया में होना हो जाए तो, अगर एक बार इटली में भी करते हैं तो सेकंड टाइम उनको इंडिया में करना चाहिए। रिसेप्शन चाहिए भाई, रिसेप्शन यहाँ पे सुप्रीत, फैंस चाह रहे कि शादी भले ही बाहर इटली में हो रही हो लेकिन रिसेप्शन उसका इंदौर में होना चाहिए, क्योंकि हर पल पल की अपडेट अपने दोनों ही चाहते स्टार्स की फैंस यहाँ पर देना चाहते हैं। आप हमें बताइए कि क्या चीज है जो सबसे पहले आप जानना चाहते हैं कि अनुष्का ने क्या पहना है, उनका वेडिंग कार्ड कैसा है, क्या ये सारी चीजें जानना चाहते हैं? या इसका बहुत लोगों को बहुत इंतजार रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशन बहुत ऑफ यू, पर ये गॉसिप का बहुत बड़ा पॉइंट भी होता है कि कभी कभी ये सुनने में आता है कि ये मीथ है या फिर ये लिटरली ये सही बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कांग्रेचुलेशन करने के बाद यही बात मैं जानना चाहूंगा कि बताऊं, जैसे कि इन दोनों की केमिस्ट्री, इन्हें पर्सनल लाइफ भी मैनेज करके रखी, प्रोफेशनल लाइफ भी इनकी मैनेज करके रखी, ये सबसे अच्छी बात है। बहुत सारे हर्डल्स भी आए इनकी लाइफ में, क्योंकि बीच बीच में ब्रेकअप की खबरें भी आई थी, तो उस बीच में ऐसा लग रहा था कि नहीं अब फाइनली इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, पर विराट ने वापस मैनेज करके उसे वापस ट्रैक पर लाया। बहुत अच्छी बात आपने बोली, दोनों ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत मेंटेन करके चलते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि विराट और अनुष्का साथ में आप जब उनको देखते हैं एड्स में या कहीं पार्टी में उनकी अपीयरेंसेस होती है तो कैसे लगती है एज ए कपल आपको? हमको ऐसा लगता है कि भगवान रामचंद्र और सीता की जोड़ी खड़ी है, भारत देश के दोनों गौरव हैं। विराट कोहली ने भारत देश के लिए इतने इतिहास रचे इतनी कम उम्र में, तो वो हमारे आइडल हैं, और अनुष्का शर्मा भी एक एक्ट्रेस के तौर पर हमारी आइडल है, और हमारे बड़े लिए बड़ी गौरव की बात है कि इतनी दोनों बड़ी हस्तियां एक हो गई हैं, तो भारत देश के लिए और हम सब युवाओं के लिए गौरव की बात है। बहुत ही बहुत अच्छी बात है कही कि सही भी है सुप्रीत जी, हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करते हुए चल के आए, उन्होंने खुद कभी औपचारिक रूप से अपने रिश्ते को भी स्वीकारा नहीं है, लेकिन दोनों की जो क्यूटनेस है कुछ हम इवेंट्स पे देखे या फिर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए उन दोनों के ट्वीट्स देखे तो हमें अक्सर आमतौर पर नजर आ ही जाते हैं, जो कि जग जाहिर करता है कि दोनों के बीच कितनी प्यारी केमिस्ट्री है और दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, तो अगर वो दोनों एक हो जाते हैं, बहुत जल्द होने जा रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी फैंस के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती।
सकती है सुप्रीत, और पल पल की अपडेट्स तो सभी लोग जानना चाहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, फैंस के लिए काफी खुशी भरी ये खबर है। हालांकि एक चीज यहाँ पर जो लोगों के मन में है वो लगातार हम सुन रहे हैं। हमारे साथ रायपुर से सहयोगी तहसीन भी जुड़े हुए हैं। तहसीन, आपसे हम जानना चाहेंगे, भोपाल और इंदौर वासियों की बात आपने सुन ली कि किस तरह से खुशी उनके मन में है कि विराट और अनुष्का एक होने जा रहे हैं, लेकिन एक जो उनके मन में ये सवाल है कि इतनी दूर जाके शादी क्यों कर रहे हैं, इटली में जाके शादी क्यों कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे शादी करना चाहिए। क्या इस तरह का माहौल कुछ रायपुर में देखने को मिल रहा है? जी देखिए, जैसे ही आईबीसी 24 ने इस बात का बड़ा एक ब्रेक किया कि अनुष्का और विराट कोहली की शादी करने वाले हैं, 9, 10 और 11 तारीख को इनका इटली के मिलान में एक आयोजन किया जा रहा है, 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा, तो उनके जो फैंस हैं उनमें काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। हम इस समय खड़े रायपुर के मरीन ड्राइव में, जहां पे उनके फैंस हमारे साथ हैं, जो ये बात सुन के काफ़ी खुश हुए हैं और उनको बधाई देने यहां पे आए हैं। विराट और जो वो हैं अपना अनुष्का जी, वो शादी कर रहे हैं, ये आपको खबर मिली तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई है हमें, क्योंकि वो एक बहुत रॉकिंग पेयर हैं और हम लोग एक्साइटेड हैं कि वो शादी कर रहे हैं, और हमारे इंडिया का प्राउड मोमेंट है ये कि दो सेलिब्रिटीज ज्वाइन हो रहे हैं। ये गर्ल्स उनकी फैन है, ये बताएंगी। बहुत खुशी है उनके लिए। वी लव यू विराट कोहली एंड अनुष्का टू, बट ज्यादा वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी देम एज अ कपल। दे रियली लुक एडोरेबल टुगेदर एंड आई एम रियली ग्रेट फैन ऑफ विराट कोहली। शादी जो है वो मिलान में कर रहे हैं, इंडिया में करना चाहिए, क्या किस रूप में देखती है इसको? आजकल सभी बाहर करते हैं तो उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि हम बाहर ही करें। वैसे जैसे वैसे हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल फैशन है। अनुष्का के भी जो फैंस हैं वो यहाँ पे हमारे साथ हैं, आप ये देख सकते हैं इनको। ये लोग जो हैं अनुष्का के बड़े फैंस हैं, और इन्होंने जैसा कि बताया, इनको जब पता लगा तो इनमें भी काफ़ी खुशी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी है। अनुष्का शादी कर रही हैं, जो कि काफ़ी दिनों से आप लोग भी सुन रहे थे, कैसा देखते हैं इसको? बस मैं तो यही बोलना चाहूँगा, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, उनको अपने स्टाइल पे उनको कुछ करना चाहूँगा। कैसी लगती है अनुष्का? बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, और उनकी एक्टिंग भी बहुत बहुत ज़बरदस्त है। विराट के साथ शादी कर रही हैं, आपको जब पता लगा? अच्छा भी लगा, थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन अच्छा ही है। दे बोथ आर रियली गुड इन देयर ओन फील्ड, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और उन्हें हम अपने स्टाइल में थोड़ा कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। तो आप थोड़ा देखिए, अनुष्का एंड विराट, दिस वन्स फॉर यू। ये देख सकते हैं कि ये उनके फैंस हैं, उन्होंने इनको अपने तरीके से इनको बधाई दी है, और निश्चित तौर पे जो अनुष्का के साथ साथ जो विराट के भी जो फैंस हैं उनमें जब ये खबर पता लगी तो वो लोग काफी की खुशी की लहर दौड़ गई, और उनके लिए बधाइयों का जो है तांता लग गया। जी चलिए, बिल्कुल राकेश, साक्षी और तहसीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से माहौल इस वक्त बना हुआ है एमपी और छत्तीसगढ़ में। जब से ये न्यूज फैंस को लगी है, कई लोग शॉकिंग है, कई काफी सरप्राइज है। आप लगातार हमें आपको बता रहे हैं कि किस तरह से विराट और अनुष्का अगले हफ्ते शादी करने जा रहे हैं इटली के मिलान में। आईबीसी 24 ने सबसे पहले आपको एक खबर पहुंचाई। लगातार हमारे सहयोगी राकेश भोपाल से बने हुए हैं, साक्षी इंदौर से और तहसीन रायपुर से। सबसे पहले इंदौर का रुख करना चाहूंगी। साक्षी, आपसे जानना चाहेंगे, जब से ये न्यूज आई है कई लोग इसे शॉकिंग वे में ले रहे हैं, सरप्राइजिंग वे में ले रहे हैं, कहीं ना कहीं खुशी तो यहां पर देखी जा रही है, लेकिन एक जो यहां पर बात आपने भी कई फैंस से की थी कि उन्हें इस बात का दुख है कि मिलान में जाकर क्यों वहां पर जो विराट और अनुष्का शादी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अगर उनके अगर फैंस की बात करें, कहीं ना कहीं यहां पर इंतजार हो रहा है कि इंडिया में आके भी एक रिसेप्शन होगा, और वो चाहते हैं कि वो देख सके कि किस तरह से शादी होगी विराट और अनुष्का की। जी बिल्कुल, ये तो सभी फैंस की मांग है, और कौन नहीं चाहेगा कि उनके चहेते जो स्टार्स हैं वो अगर दो से एक हो रहे हैं, उनकी शादी हो रही है, एक इतने महत्वपूर्ण रिश्ते में बंध रहे हैं, तो उनकी शादी की जो अपडेट्स है वो बिल्कुल सभी लोग जानना चाहते हैं। और ये भी मांग ब्रेक से पहले भी सभी फैंस ने की ही थी कि एक ग्रैंड पार्टी उनकी शादी के बाद इंडिया में भी वो मांग कर रहे हैं, जिसमें शायद वो उन दोनों की झलक ले पाए, उनकी शादी में शरीक हो पाए। बात कर लेते हैं कुछ फैंस से, जैसे कि विराट है, अनुष्का है, दोनों ही अपने करियर के शीर्ष समय में है, और बॉलीवुड और स्पोर्ट्स का हमेशा से कनेक्शन रहा है, तो इस जोड़ी के बारे में क्या ख्याल? इस जोड़ी के बारे में तो यही है कि दो समंदर
आपस में जुड़ गए और हमें देखने की बड़ी इच्छा है, पर वो शादी इंडिया में कर नहीं रहे हैं, इटली में कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आप दोनों का जो मिलन है वो हमारे सामने हो, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि दो इतनी बड़ी हस्तियाँ जिनको हम अपना आइडल मानते हो एक साथ में हमारे सामने शादी करें, हम यही देखना चाहते हैं। अच्छा, अनुष्का की विराट से शादी हो रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख है इस बात के लिए? हाँ, बहुत दुख है मेरे को, बहुत दुख है क्योंकि अनुष्का विराट से शादी कर रही है। मेरा दिल तो टूटा है, पर अब क्या कर सकते हैं, विराट से हो रही है। इस बात की खुशी भी है कि उसे अच्छा पति मिल रहा है? हाँ बिल्कुल खुशी है कि विराट जैसा पति उसे मिल रहा है। जी, तो जैसे कि आप सभी फैंस में इतना उत्साह है, तो क्यों ना विराट और अनुष्का के लिए अगर तीन चेयर्स लगा दिए जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो विराट और अनुष्का के लिए हिप हिप हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे। तो विराट और अनुष्का की शादी यहाँ पर सुप्रीत चाहते हैं लोग कि इंडिया में भी उनका एक रिसेप्शन हो। कई लड़कों के दिल में ये मलाल है कि क्यों अनुष्का की अभी शादी हो रही है, अपने करियर के शीर्ष समय में, लेकिन दिलासा भी अपने दिल को वो इस तरह से दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, विराट अच्छे इंसान है, वो भी अपने करियर के शीर्ष समय में है और वो अनुष्का को कहीं ना कहीं खुश रखेंगे। तो सभी फैंस हैं, साक्षी लगातार बने रहिए। हम एक बार राकेश का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। राकेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कई ऐसे कपल्स बॉलीवुड में हमने देखे हैं जिन्होंने कईयों ने अपने रिलेशनशिप को खुलेआम स्वीकार किया, लेकिन अगर यहाँ पर विराट और अनुष्का की अगर बात करें, उन्होंने कभी भी खुलकर अपने रिलेशनशिप को यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया और अचानक से ये खबर मिली है, इसको क्या फैंस एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल, हम सीधे फ्रेंड से जानते हैं, विराट और अनुष्का की बात करें तो सीधे तौर पर उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज अचानक शादी की आपके पास ब्रेकिंग आती है, तो फिर अचानक आपको शौक नहीं लगता? जी, बहुत सरप्राइजिंग है कि विराट और अनुष्का शादी कर रहे हैं, पर पूरी पब्लिक वेट कर रही है, यहाँ पे जितने भी सब विराट और अनुष्का बहुत बड़े फैन है, सब लोग वही वेट कर रहे थे कब शादी कर रहे हैं। आपको क्या लगा अचानक जब जानकारी लगी तो? नहीं, अचानक तो ये था कि दोनों शादी जरूर करेंगे, ये तो पता था, पर ये नहीं पता था कि एकदम सडन शादी करेंगे। जैसे विराट अपनी स्पोर्ट्स लाइफ में सक्सेस है, हम भगवान से दुआ करेंगे कि वो अपनी मैरिज लाइफ में भी सक्सेस रहे। आप सेलिब्रेट कैसे करेंगे जी राकेश? जैसा कि विराट और अनुष्का के लिए बहुत बड़ा डे है उनकी लाइफ के लिए, तो मैं उस डे को मेरी लाइफ के लिए भी स्पेशल बनाऊंगा। राकेश, यहाँ पर ये चीज देखी जा रही है कि जो फैंस हैं वो यही यहाँ पर दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह से जो अनुष्का है वो अपनी फील्ड में माहिर है, उसी तरह से विराट भी कप्तान है टीम इंडिया के, वो भी काफी माहिर है क्रिकेट के फील्ड में। एक बार रायपुर का रुख कर लेते हैं। तहसीन, आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ जो फैंस खड़े हैं विराट और अनुष्का के, उनमें कितना क्रेज देखा जा रहा है जब से ये न्यूज उन्हें मिली है? सुप्रीत, जब ये खबर आई है दोनों की शादी की, तो उनके जो फैंस हैं उनमें काफी खुशी की लहर दौड़ने के साथ साथ उनको शुभकामनाएं देने का दौर शुरू हो गया। हमारे साथ विराट कोहली की एक फैन यहाँ पे हैं, हम उनसे बात करते हैं। जब ये आपको खबर लगी तो कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद ये खबर को सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पे काफी अच्छा लगा, क्योंकि काफी दिनों से, काफी सालों से अटकलें लगाई जा रही थी दोनों की शादी के और काफी चर्चे उनके चल रहे थे, और अब जो यह है कि जब उनकी खबर आई है उनकी दोनों की शादी की, तो लोग जो उनके फैंस हैं उनको अपने अपने तरीके से उनको बधाई देने के लिए जुटे हुए हैं। हमारे साथ दो फिंगर कटिंग कलाकार हैं जो अपने तरीके से यहाँ पे बधाई देना चाहेंगे। पहले तो ये बताएं कि अनुष्का की शादी है विराट के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर, कैसे बधाई देना चाहेंगे? ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बहुत ठंडी थी, अब ये न्यूज़ सुनते ही हम लोग गर्म हो गए। अब हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं अपने तरीके से। यस हम लोग जरा दिखाएं क्या कहते हैं इसको, जो आप दिखाने जा रहे हैं किसके थ्रू, क्या कहते हैं इस आपके जो बधाई देने का जो सिलसिला है इसको? ये डांस फॉर्म है, इसको पहले किंग टट होता था, इसमें वेरिएशन आया तो ये फिंगर टटिंग हो गया, तो हम बस उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी स्टाइल में उनको हम थैंक्स बोलना चाहते हैं। बिल्कुल सुप्रीत, ये अब आपको अपने तरीके से यहाँ पे बधाई देंगे विराट और अनुष्का को, जो फिंगर टटिंग के माध्यम से बताएं।
निश्चित तौर पे सुप्रीत ये दो कलाकार हैं जिन्होंने फैंस यहाँ पर विराट अनुष्का को बेस्ट विशेष दे रहे हैं और हम भी विराट अनुष्का को बेस्ट विशेष देते हैं उनके इस बड़े दिन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।